Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 15 शब्द भंडार ग्लॉसरी. एक पर्यायवाची सिनोनिम्स. एक वस्तु के लिए समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं. नीचे कुछ प्रमुख शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं. इन्हें याद कीजिए. अग्नि अनल आग पावक हुताशन. अमृत अमी पीयूष देवहार सोम. अपाहिज अपंग लुंज विकलांग विकृतांग. अज्ञानी अनजान अनभिज्ञ अनाड़ी मूर्ख. अंधकार अंधेरा तम तमस तिमिर. अन अनाज दाना गल्ला बीज. आम आम्र रसाल अमृत फल मधुदूत. आकाश नभ व्योम गगन आसमान. आँख अक्ष चक्षु चशु दृक. आंसू अश्रु अश्क चक्षुजल नेत्रजल. अध्यापक आचार्य गुरु शिक्षक उपाध्याय. असुर दानव दनुज दैत्य निशाचर. चंद्रमा शशि सोम इंदु रजनीश. तालाब सर सरोवर ताल तड़ाग. दीपावली दीप दानोत्सव दीपमालिका दिवाली दीपोत्सव. दुख कष्ट क्लेश वेदना दर्द. दिन दिवस वार वासर दिवा. देवता देव सुर अमर आदित्य. नदी सरिता सरी ततिनी निर्झरणा. पंडित कोविद ज्ञानी विज्ञ विद्वान. पक्षी खग गगनचर चिड़िया विहग. पर्वत अचल अद्री कूट गिरी. पवन वायु वाह वात समीर. पानी नीर पय अंबु जल. पृथ्वी अवनि इडिका धरती धरा. प्रेम लगाव स्नेह प्यार दुलार. फूल पुष्प कुसुम प्रसून सुमन. पत्थर पाषाण पाहन प्रस्तर शिलाखंड. पेड़ तरु वृक्ष शाखी विटप. बंदर कपि हरी शाखा मृगक वानर. बहिन दीदी भगिनी सहोदरा बांधवी. बादल मेघ वारिद वारिधर पयोद. बुद्धि मेधा प्रज्ञा मति मनीषा. भौमरा भ्रमर भृंग अली मधुकर. औरत स्त्री महिला कामिनी नारी. अपमान अनादर अपकार निरादर तिरस्कार. आदि आरंभ अथ प्रारंभ शुरुआत. अंत इति समाप्ति विराम समापन. आज्ञा आदेश अनुमति निर्देश सृष्टि. इंद्र देवेश देवेंद्र सुराज सुरेश. इच्छा चाह अभिलाषा मनोरथ कामना. उज्ज्वल उजला चमकीला प्रकाशित स्वच्छ. उपवन उद्यान वाटिका बाग फुलवारी. कंगाल गरीब दरिद्र दीन निर्धन. कंजूस कृपण अनुदार मक्खीचूस सूम. कारागार जेल कारावास कारागृह जेलखाना. कुम्हार कुंभकार कुलाल घटक घटकर्ता. कोयल अली कलकंठ श्यामा मधुकंठ. क्रोध अमर्श अमर्षण आक्रोश गुस्सा. कपड़ा वस्त्र चीर वसन दुकूल पट अंबर. कमल पंकज नीरज जलज पद्मा. कुत्ता श्वान कुकुर सारमे ग्राम मृग शुनक. कबूतर कपोत पारावत परेवा हारिल. कौआ काक काग वायस पिशुन. खुशी हर्ष आनंद उल्लास प्रसन्नता. खून रक्त शोणित
रुधिर लहू। दो विलोम शब्द अपोजिट वर्ड्स एक दूसरे का ठीक विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। नीचे कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। शब्द विलोम प्रशंसा निंदा पूर्ण अपूर्ण परलोक इहलोक अपना पराया एक अनेक नव पुरातन न्यून अधिक घोर सरल खिन्न प्रसन्न ज्येष्ठ कनिष्ठ सफल विफल द्वेष प्रेम दुर्गुण सगुण दुरुपयोग सदुपयोग मंगल अमंगल मान अपमान कड़वा मीठा याचक दाता ज्ञात अज्ञात गुण अवगुण नैतिक अनैतिक शुष्क तरल चर अचर शुद्ध अशुद्ध उन्नति अवन्ति योग्य अयोग्य दूषित स्वच्छ पाप पुण्य पराधीन स्वाधीन विजय पराजय धर्म अधर्म प्रसन्न अप्रसन्न पर्याप्त अपर्याप्त जीवित मृत मित्र शत्रु भाग्यवान अभागा नवीन प्राचीन हर्ष शोक अतीत भविष्य अच्छा बुरा सम विषम अमृत विष रक्षक भक्षक रिक्त पूर्ण ठोस मुलायम सरस नीरस राजा रंक धनी निर्धन निंदा स्तुति यश अपयश निद्रा जागरण कोमल कठोर शीत उष्ण संयोग वियोग साकार निराकार प्रेम घृणा शांत अशांत सुमति कुमति देव दानव उत्थान पतन अचेत सचेत अगला पिछला आस्तिक नास्तिक सज्जन दुर्जन सहयोग असहयोग आशीर्वाद शाप धूप छाव आदर निरादर अधम उत्तम हिंसा अहिंसा इच्छा अनिच्छा उषा संध्या भारी हल्का कुरूप सुंदर उत्पत्ति विनाश दुर्भाग्य सौभाग्य आकाश पाताल अंत आदि सुस्ती फुर्ती जन्म मृत्यु अंतिम प्रथम मधुर कटु गर्म ठंडा अनाथ सनाथ सुलभ दुर्लभ विद्वान मूर्ख अग्रज अनुज सामान्य विशेष अंधकार प्रकाश एकता अनेकता अस्त उदय आयात निर्यात जड़ चेतन जल थल अंश पूर्ण मोटा पतला सजीव निर्जीव परमार्थ स्वार्थ अनुकूल प्रतिकूल आजादी गुलामी कायर वीर विधवा सद्वा। ध्यान दीजिए, सभी शब्दों के विलोम न तो होते हैं और न हो सकते हैं। तीन शब्द समूह के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। भाषा में सौंदर्यता स्पष्टता या संक्षिप्तता लाने के लिए शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे जो भय से रहित हो निर्भय। संक्षिप्तता के कारण भाषा को समझने में कठिनाई न हो, इसके लिए जरूरी है कि शब्द समूहों या वाक्यांशों के बदले खूब प्रचलित या लोकप्रिय एक शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। नीचे कुछ ऐसे शब्द समूह दिए गए हैं जिन्हें एक ही शब्द में व्यक्त किया जाता है। शब्द समूह वाक्यांश एक शब्द जो समाचार भेजता हो संवाददाता, जो वंदना करने योग्य हो वंदनीय, जो जल में विचरण करता हो जलचर, जो पूजा करने योग्य हो पूजनीय, जो अपने देश से प्रेम करता हो देश प्रेमी, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, जो दिखाई न देता हो अदृश्य, जो परीक्षा में पास न हो अनुत्तीर्ण, जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक, जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक, जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय, जो छोटा भाई हो अनुज, जो बड़ा भाई हो अग्रज, जो किए हुए उपकार को मानता हो कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को न मानता हो कृतघ्न, जो अनुकरण के योग्य हो अनुकरणीय, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो कभी संभव न हो सके असंभव, जो मांस खाता हो मांसाहारी, जो शाक सब्जी खाता हो शाकाहारी, जो मीठा बोलता हो मृदुभाषी, जो कभी न मरे अमर, जो कठिनाई से प्राप्त हो दुर्लभ, जो आसानी से प्राप्त हो जाए सुलभ,
जो काम कठिन हो दुष्कर, जो दर्शन करना चाहता हो दर्शनार्थी, जो इस लोक का न हो अलौकिक, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ, जो किसी का पक्ष न ले तटस्थ, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, जो पढ़ा न गया हो अपथित, जो कम बोलता हो मितभाषी, जो अधिक बोलता हो वाचाल, जो परिचित न हो अपरिचित, जो गांव में रहता हो ग्रामीण, जो नगर में रहता हो नागरिक, जो यात्रा करता हो यात्री, जो न्याय करता हो न्यायाधीश, जो विदेश में रहता हो विदेशी, जो दूर की सोचता हो दूरदर्शी, जिसके हृदय में दया न हो निर्दयी, जिसे कभी बुढ़ापा न आए अजर, जिसका अंत न हो अनंत, जिसे छूना वर्जित हो अछूत, जिसका आकार हो साकार, जिसका आकार न हो निराकार, सबको समान समझने वाला समदर्शी, जिसे गुप्त रखा जाए गोपनीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत, जिसका इतिहास से संबंध हो ऐतिहासिक, जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु, जिसमें दया की भावना हो दयालु, जिसमें कपट की भावना न हो निष्कपट, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, नई वस्तु की खोज करने वाला आविष्कारक, नए स्थान की खोज करने वाला अन्वेषक, सूर्य निकलने का समय सूर्योदय, सूर्य छिपने का समय सूर्यास्त, शरण में आया हुआ शरणागत, दोपहर से पहले का समय पूर्वांग, दोपहर का समय मध्यान्ह, दोपहर के बाद का समय अपरांग, 100 वर्ष का समय शताब्दी, आकाश में उड़ने वाला नभचर, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, 4 एकार्थी या एकार्थक शब्द यूनिवोकल वर्ड्स, वे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ में होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे पुस्तक सड़क घर वृक्ष कुर्सी मेज दीवार लकड़ी दुकान कमीज कमल मकान। 5 अनेकार्थी शब्द वर्ड्स विद वेरियस मीनिंग्स, कुछ शब्दों के प्रयोगानुसार अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यहाँ ऐसे ही कुछ प्रमुख शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। अनेकार्थी शब्द अर्थ अंक गिनती के अंक, नाटक का भाग चिन्ह गोद, अंग भाग शरीर का भाग, अर्थ धन मतलब कारण लिए, अक्षर वर्ण ईश्वर आकाश सत्य, अंबर आकाश कपड़ा, आम आम का फल मामूली सर्वसाधारण, उत्तर उत्तर दिशा जवाब हल, कर हाथ ओला किरण टैक्स, कल आने वाला दिन मशीन बीता हुआ दिन मधुर, काल मृत्यु समय यमराज, काज काम कमीज का काज पवित्र कार्य, खर दुष्ट गधा तिनका एक राक्षस, गुरु शिक्षक श्रेष्ठ भारी ग्रह विशेष, जलधर बादल समुद्र, जाल फरेब बुनावट जाला, कुल संघ केवल सब वंश, कक्ष कमरा श्रेणी भूमि कोख, गति मोक्ष हाल चाल दशा, घट देह मन घड़ा कम हृदय, ज्येष्ठ जेठ का महीना पति का बड़ा भाई श्रेष्ठ, तत्व मूल ब्रह्मा यथार्थ सार, तात भाई पिता बड़ा प्यारा पूज्य, तारा बाली की पत्नी नक्षत्र आँख की पुतली बृहस्पति की पत्नी देवी विशेष, दल समूह सेना पत्ता हिस्सा पक्ष, द्विज कुसुम दंड दंडा सजा एक व्यायाम, नाक इज्जत नासिका स्वर्ग, नाना विविध माँ का पिता, पद चिहन छंद का चरण शब्द गीत स्थान ओहदा, पक्ष पंख और 15 दिन का समय, पत्र पंख चिट्ठी पत्ता, पूर्व पहले पूर्व दिशा, बाल केश बालक दानयुक्त दंठल गेहूं धान आदि की बार, भूत प्रेत प्राणी अतीत काल पंचभूत, मधु शहद मदिरा वसंत ऋतु चैत्र का मास
एक दैत्य। राशि समूह मेघ, मेष, वृष आदि 12 राशियां। रक्त खून लाल, लाल प्यार का संबोधन माणिक्य पुत्र। 5 समानार्थी शब्दों का सूक्ष्म अंतर words apparently similar in meaning शब्द अर्थ भेद। अगम जहां पहुंचा न जा सके, दुर्गम जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके, अधिक ज्यादा पर्याप्त आवश्यकता के अनुसार, अज्ञ जिसे कुछ ज्ञान न हो, अनभिज्ञ जिसे विषय विशेष का ज्ञान न हो, मूर्ख जो समझाने पर भी ज्ञान प्राप्त न कर सके, दुख सामान्य पीड़ा, कष्ट किसी कार्य से होने वाली पीड़ा, अपराध सामाजिक और सरकारी कानूनों का उल्लंघन, पाप नैतिक व धार्मिक नियम तोड़ना, अनबन आपस में न बनना, खटपट किसी बात पर आपस में लड़ना, अशुद्धि अपवित्रता मिलावट भूल इसमें कर्ता की असावधानी व्यक्त होती है, त्रुटि कोई कमी, अस्त्र व हथियार जो हाथ से फेंक कर चलाया जाए, शस्त्र जो हथियार हाथ से पकड़कर निकट से चलाया जाए, आराधना इष्ट फल प्राप्ति हेतु देवता की सेवा, उपासना इष्ट की समीपता पाने हेतु सेवा, पूजा भक्तिपूर्ण विनय भाव से ईश्वर की सेवा, अमूल्य जो वस्तु मूल्य देकर भी प्राप्त न हो सके, शंका संदेह आशंका भविष्य में कुछ बुरा घट जाने की संभावना, दुर्बल जिसमें रोगादि के कारण बल में कमी हो, मनुष्य प्राणी विशेष स्त्री पुरुष दोनों, इच्छा किसी वस्तु के लिए सामान्य इच्छा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।